मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को राजधानी भोपाल में मंत्रालय में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा के बाद मोहर लगाई गई। इसमें युवाओं के स्वरोजगार को लेकर बड़ा फैसला लिया गया, इससे युवा उद्यमियों को बड़ा लाभ होगा। बैठक के बाद नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी। माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया गया और फिर उसके बाद पूरी कैबिनेट ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दिया। कुछ आगामी कार्यक्रम के बारे में बताया, ऐसे लगभग 10,000 करोड़ की उन्होंने घोषणा की है। ये सड़कें निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की एक भाग्य रेखा, एक समय था हम लोग कहा करते थे कि ऑन रिकॉर्ड मेरे बयान है कि मुख्यमंत्री जी दिग्विजय सिंह जी, मैं गुजरात से आता हूँ सोते हुए गाड़ी में और जैसे ही मेरी नींद खुलती समझ जाता हूँ कि आपका प्रदेश आ गया। अब बिल्कुल इसका उल्टा हो गया है। मध्य प्रदेश से आप कहीं पर भी जाएँ सोते हुए, इतनी बढ़िया सड़कें हैं और उसमें केंद्र सरकार की बहुत अच्छी भूमिका, और इसलिए आज कैबिनेट ने नितिन गडकरी जी को भी धन्यवाद दिया है कि उनके द्वारा जो मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवेज, ब्रिज और आरओबी वगैरह सब में सहयोग प्रदान किया, इसलिए नितिन गडकरी जी को भी धन्यवाद दिया है। मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि पार्वती काली सिंह चंबल योजना स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका लाभ मिलने वाला है। भेंड, मुरैना, फिर चंबल के चंबल क्षेत्र में, फिर मालवा क्षेत्र में भी इसका भाग मिल लाभ मिलेगा, बुंदेलखंड में भी इसका लाभ मिलेगा। और ये एक लगभग 72,000 करोड़ की योजना है जिसमें 90% जो इस योजना का खर्च है वह केंद्र सरकार दे रही है और